गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिलनसा फ्रॉम इजी लर्निंग सेंटर बारडोली। आज हम लोग 8 CBSE का सोशल साइंस देखने वाले हैं, उसमें सिविक्स में यूनिट नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर हम लोग सीखेंगे। देखते हैं तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जब हम अकेले हो कोई जगह पर, वो घर हो या ऑफिस और कोई भी जगह, एनी प्लेस, तो तब ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि घर में है और अकेले है तो ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप रात को 2 बजे भी लाइट चालू कर सकते हो, शायद सॉन्ग भी चालू करके बैठ जाओ तो टेंशन नहीं है, घर में आवाज़ रहनी चाहिए मतलब। लेकिन जब 1 से 2 होते हैं कोई जगह पर, यानी घर पे ही समझ लो कि आप 1 से 2 लोग हो भी, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे कि भाई ओके, इतने बजे तक कोई भी बाहर गया है तो घर से घर पे आ ही जाएगा रिटर्न। जैसे कि 10 बजे के पहले सब आ ही जाएंगे जो भी बाहर गए हैं, ठीक है, इमरजेंसी की सिचुएशन में। क्यों? बाकी कोई 1 बजे आएगा, कोई 2 बजे आएगा, कोई 3 बजे आएगा, कोई 4 बजे रात को घर पे आएगा, फिर बेल ही बजाता रहेगा तो सबकी नींद खराब करेगा। इसलिए इस तरह के कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। दूसरा, इतने बजे लाइट बंद हो जाएगी, क्या इतने बजे के बाद शोर नहीं कर सकते घर पे, ये सब बेसिक रूल्स बनाने पड़ते हैं, वरना दूसरा शांति से जी नहीं पाएगा। अगर 1 से 2 भी हुए तो, अगर कोई पब्लिक बढ़ी, 10 लोग है तो और रूल्स बनाने पड़ेंगे, 25 लोग है तो और रूल्स बनाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा रूल्स बनाने पड़ेंगे, वरना इम्बेलेंस चलेगा। वो घर हो या शॉप हो या ऑफिस हो या कुछ भी हो, स्कूल हो, ट्यूशन हो, आश्रम हो, कुछ भी, जहाँ भी रूल्स नहीं है, जहाँ भी कोई सिस्टम नहीं है, वो एकदम ही इम्बेलेंस चलेगा और वहाँ हम लोग परेशान हो जाएंगे, कोई शांति से रह नहीं पाएगा। तो ये जो हमारा कंट्री है वो करोड़ों लोगों से बना है, कोई एक इंसान तो है नहीं वहाँ पर, इसलिए डेफिनेटली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए जिसके हिसाब से पूरे कंट्री की जो पब्लिक है वो चलेगी, तभी लोग शांति से जी पाएंगे। अगर जितने भी लोग हैं, जैसे कि अभी 136 करोड़ जैसी पब्लिक है, तो वो सब अपने हिसाब से चलने लगे तो मुसीबत हो जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कोई ठीक से जी नहीं पाएगा। इसलिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन, जब हमें आज़ादी मिली तब एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी ने वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन के जो सेट है उसका, उसको बोलते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। देखते हैं अभी ये रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनते हैं। तो जो भी पूरा समाज है वो सबकी सम्मति से बनते हैं। अभी हमारा जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें जो कमेटी थी उसमें करीबन 300 के आसपास लोग थे, लेकिन सब लोग तो पार्लियामेंट में नहीं गए थे वो बनाने के लिए, लेकिन वो 300 के आसपास जो भी लोग थे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। यानी हमारे एरिए का एक अगर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर गया और उसने वो रूल्स को एग्री किया, तो फिर हम सब ने एग्री कर लिया, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो हमने भेजा था उसको, हमने रिप्रेजेंट किया था, तो उसका एग्रीमेंट यानी हम सबका एग्रीमेंट। इस तरह से ये रूल्स बने हैं, यानी सबके एग्रीमेंट से बने हैं। और जो और ज्यादा वो अभी रिटर्न फॉर्म में है, पूरा बुक है उसका, रिटर्न डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स। तो वो जो डॉक्यूमेंट है रिटर्न फॉर्म में इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब देखते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या, अगर ना बना देते, ना बनाते तो क्या फर्क पड़ जाता, और बनाया तो क्या फर्क पड़ा, देखते हैं। बहुत ही इजी है, लोग ये सिविक्स से बहुत डरते हैं, उसमें भी इस तरह के टेक्निकल चैप्टर जो आते हैं उससे बहुत डरते हैं ऐसे इसमें, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरी लाइफ में आपको ये काम का चैप्टर है, ध्यान दीजिए। नीड, जरूरत क्या है। नंबर 1, The Constitution includes a set of rules and principles that all persons residing in a country can agree upon. These rules and principles form the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes the type of government. Ye dekhiye, the rules and principles form the basis of the way in which they want the country to be governed. Yani jin logon ne baith ke ye rules banaye the hamari sammati se, wo kis tarah se design kiye honge, वो उस तरह से किए होंगे कि हम अपनी कंट्री इस हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये नियम होने चाहिए और ये नहीं होने चाहिए चीजें, तो उस हिसाब से वो रूल बने हैं। वो बनने के बाद अभी गवर्नमेंट
जो आएगी वो उस रूल्स के हिसाब से ही अपनी गवर्नमेंट चलाएगी, वो फिर कोई भी पार्टी जीत जाए। तो वो एक फायदा है कि कोई आके अपने रूल्स नहीं लगा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, वेदर इट विल हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम और मोनार्की सिस्टम। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर कोई पढ़ ले तो इसके हिसाब से, उसके ऊपर से उसको ये पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री कैसी है, हमारी कंट्री का नेचर कैसा है, कौन सी फिलोसॉफी पे हम लोग चलते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। बाय एग्जाम्पल ऐसा मानो सऊदी अरेबिया का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ किंग का चलता है। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि किसी ने कुछ क्राइम कर दिया तो डायरेक्ट वो किंग होता है, वो तलवार से गला ही काट देता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत बड़े बड़े क्राइम करके भी लोग 10 साल 20 साल 30 साल तक उनको कुछ सजा नहीं मिलती, सजा मिले उससे पहले ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर कर दे के इसको बस मार डालो तो मर गया, ऐसा नहीं चलता यहाँ पर। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है लीगल, उसके हिसाब से सबको न्याय मिलता है। तो कंट्री किस हिसाब से चलती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से या मोनार्की सिस्टम से, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाना जा सकता है। किसी भी कंट्री का, हमारे कंट्री का नेचर पता चल जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स रूल्स एंड रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ पावर बाय आवर पोलिटिकल लीडर्स। इन इंडिया सच प्रोविजन हैव बीन मेड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्ड अगेंस्ट दिस मिस यूज ऑफ पावर। यानी सिक्योरिटी का काम करता है, गार्ड का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से, कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर आ जाए, यानी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर आ जाए और वो, उनको बहुत पावर मिलता है डेफिनेटली, एक जनरल पब्लिक से ज़्यादा पावर उनके हाथ में रहेगा, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का या पूरा कंट्री का, तो उसका मिसयूज वो ना करे, वो कर ना पाएगा, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चल सकता। जैसे ही वो मिसयूज करने जाएगा तो वो फंसेगा। इसलिए एक कंट्रोल बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल लीडर पे भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर डेट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। डोमिनेंट ग्रुप यानी जिनके पास पावर ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, अच्छी पोस्ट पे है, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग क्या, जो लेस पावर पीपल है, जिनके पास पावर कम है, पैसे कम है, छोटे ग्रुप है, उनको डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण अभी वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ भी कवर कर दी गई है। नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स रूल्स दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज नॉर्मली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। Thus, the Constitution prevents this tyranny or domination by the majority or of minority. Constitution में ये भी चीज कवर की गई है कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कास्ट यानी कौन सी कास्ट जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग है जिसमें, जैसे कि पारसी बहुत कम है, जैन भी बहुत कम है, ऐसी बहुत सारी दूसरी कास्ट है जो माइनॉरिटीज में आती है, तो उनको किसी भी बेनिफिट से बाहर ना रखा जाए। और जो सबको, जो मेजोरिटी को बेनिफिट मिलेगा, जो भी लाभ मिलेंगे वो उनको भी मिलेंगे, उसका भी ध्यान रखा गया है। इसलिए मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर जो डोमिनेशन करते हैं उसको भी प्रिवेंट किया गया है। आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा आपके क्लास में कभी कि कुछ बच्चे अब एक ग्रुप बना लेते हैं 8-10 लोग मिलके, और आप अकेले हैं या एक दो फ्रेंड ही हो, आप एक दो लोगों का ही ग्रुप है, तो वो 8-10 लोग इकट्ठा होके आप जो एक दो का ग्रुप है उसको डोमिनेट करते हैं वो लोग, क्योंकि वो 10 है ना, ज़्यादा है, आप लोग कम है, एक दो तीन ही है। तो इस तरह से पॉलिटिक्स चलता है, वो ना चले कंट्री में भी, इसलिए इसका ध्यान रखा गया है बहुत अच्छे से। नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज इट लेस आउट द गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग इन दिस सोसाइटीज। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री का सिस्टम कैसा होना चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट चलनी चाहिए, वो गाइडलाइन भी इसमें दी गई है, किस तरह से डिसीजन लेना है कंट्री के लिए, वो बहुत अच्छा गाइडलाइन उसमें दिया गया है। यानी कोई भी आके अपने हिसाब से डिसीजन ना ले ले। नंबर 7,
कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड्स अगेंस्ट एनी डिसीजन दैट वी माइट टेक विच कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव इन. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल इन डेमोक्रेसी माइट से दैट पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री हैज बिकम रैंकरस. दे कुड से दैट अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर इज रिक्वायर्ड टू सेट एवरीथिंग राइट. कॉन्स्टिट्यूशन जो है कभी कभी कोई एक डिसीजन लीडर का यानी प्राइम मिनिस्टर का एक गलत डिसीजन पूरी कंट्री को तबाह कर सकता है. तो ऐसा ना हो इस हिसाब से पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. क्योंकि अगर कोई एक इंसान उसमें जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है ऐसा डिसीजन जैसे ही लेगा या लेने की सोचेगा बात भी करेगा तो उसके ऊपर टूट पड़ने के लिए बहुत सारे दूसरे मिनिस्टर होते हैं, ऑपोजिट पार्टियां होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है. इसलिए भयंकर दुर्घटना को भी टाला जा सकता है, वहां तक बात पहुंचने ही नहीं देंगे. उस तरह से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया गया है. कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, इसमें एक दूसरा पहलू दिया गया है कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर कंट्री की प्रोग्रेस करवानी है तो एक स्ट्रांग डिक्टेटरशिप ही चाहिए, मतलब दादागिरी से ही कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़े. क्योंकि सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में 2/3 लोग अगर वोट दे तभी कोई बिल पास होता है या डिसीजन ले सकते हैं उसका कुछ करने का. तो 2/3 का वोट लेना है ना बहुत मुश्किल काम है. इसलिए कोई डिक्टेटर हो तो फटाफट इम्प्लीमेंट कर सकता है अच्छी अच्छी चीज़ों को और तभी कंट्री प्रोग्रेस करेगी. ऐसा एक वर्ग है जो मानता है, एक क्लास है जो मानता है. लेकिन उनको ये नहीं पता, इसमें बताया गया है कि उनको ये नहीं पता कि लॉन्ग रन में डिक्टेटरशिप गोस अगेंस्ट देयर ऑन इंटरेस्ट. यानी डिक्टेटरशिप जो है वो अपने ही पैरों पे आज नहीं तो कल कुल्हाड़ी मारती है, यानी अपना ही बिगाड़ती है. जैसे कि जर्मनी का हुआ, हिटलर डिक्टेटर था और ऐसे दूसरे भी कंट्रियों ने अनुभव किए कि उन्होंने अपना ही बिगाड़ दिया. अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट अलाउ दिस काइंड्स ऑफ विम्स एंड प्रेजुडाइसेस टू चेंज इट्स बेसिक फाउंडेशन एंड प्रिंसिपल्स. अगर एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो इस तरह से कोई डिक्टेटर खड़ा हो जाए, डिक्टेटरशिप चालू कर दे, ये चलाएगा नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसका सेटिंग अच्छा किया गया है तो. ठीक है, तो 7 नीड्स इसमें दी गई है अलग अलग, आगे देखते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द वे इन विच गवर्नमेंट कैन बी सेटअप इन इंडिया, द रूल्स दैट डिटरमाइंस इट्स फंक्शनिंग. The Indian Constitution has not been prepared by one person but by a constituent assembly of around 300 people set up in 1946. ये किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, मैंने आपको बताया. वैसे 300 के आसपास लोग थे 1947 में, उन लोगों ने काम चालू किया था. The members of the assembly met periodically for the next 3 years to write India's constitution. और 46 से चालू किया था, फिर 3 साल जितना वो लोग कंटिन्यूस इकट्ठा हुए थे, मीटिंग की थी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लंबा काम चला था. चैलेंजेस वाइल प्रिपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन. जब ये लोगों ने 46 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू किया तो किस तरह से चैलेंज नड़े इन लोगों को. इंडिया वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. The Constituent Assembly prepared the constitution in such a way that it reflects a respect for maintaining diversity while preserving unity. Hamara jo country hai na usme bahut different language ke different community ke log rehte hain, bahut sari community mix hai yahan par, different religion follow karne wale log yahan par rehte hain. To कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनाना था कि सब कल्चर जो है वो अपने आप में इंडिविजुअल बने रहे, यानी डाइवर्सिटी जो है कंट्री की वो बनी रहे. ऐसा ना हो कि एक फिक्स ढांचे में सबको ऐसा ढाल दे कि डाइवर्सिटी ही मर जाए. तो सब यूनिटी बचानी थी, डाइवर्सिटी बचानी थी, उस हिसाब से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सेट करना था और वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो शोज कंसर्न फॉर इराडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज एम्फसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स.
कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी चीज ध्यान में रखनी थी कि हमारे यहाँ गरीबी बहुत थी जब हम आजाद हुए, बहुत ही गरीब लोगों की संख्या बहुत ही थी, इवन आज भी है, पहले से कम हुई है लेकिन है। तो पॉवर्टी कैसे रिमूव की जाए, दूर कैसे की जाए, उस चीज को भी ध्यान में रखना था। फिर दूसरी चीज ये कि हम जो है पब्लिक पीपल, वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होंगे एमएलए एमपी मिनिस्टर सब, तो उसमें हमारा क्या रोल रहेगा, हमारा क्या हिस्सा रहेगा, क्या इम्पोर्टेंस रहेगा, उस हिसाब से इसको सेट करना था। ये सब चैलेंजिंग टास्क थे। की फीचर्स, अभी महत्व की कुछ बातें उसमें से इसमें ली गई है थोड़ी थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की। नंबर वन, फेडरलिज्म। व्हेन देयर इज मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। ये एक लाइन याद रखिए, सिंपली फेडरलिज्म का डेफिनेशन याद हो जाएगा। जहाँ एक से ज्यादा लेवल है गवर्नमेंट के, ऐसे सिस्टम को फेडरलिज्म कहते हैं। यानी जैसे कि इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज स्टेट्स, और तीसरा भी है लोकल। समझिए, आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली में बैठ के ऑपरेट करते हैं वो लोग। जस्ट लाइक अभी भाजपा है रूल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी कुछ ड्यूटी है वो लोग वो पूरी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, जैसे गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सेकेंड लेवल है स्टेट गवर्नमेंट। पहला आया सेंटर, दूसरा आया स्टेट। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, उसमें कौन आएगा, पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, ये सब म्यूनसिपल्टी, तो वो सब चीजें आएगी लोकल गवर्नमेंट में। जो लोकल अपने जो गांव है, तहसील है, उसमें उनको कुछ काम दिए गए हैं, वो उनको संभालने हैं। तो थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, थ्री अलग अलग टीयर है। इसलिए ऐसी जहाँ सिस्टम है वन लेवल, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, उसको फेडरलिज्म कहते हैं। तो हमारे तीन लेवल हो गए ना, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, इसलिए हमारा कंट्री फेडरलिज्म है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स लिस्ट दैट स्पेसिफाई द सब्जेक्ट दैट इच टीयर गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन, व्हाइल इच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इश्यूज दे आर बाउंड टू फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, सुनिए, छोड़िए इसको, मैं बताता हूँ। तीनों तीन जो अलग अलग लेवल है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें सेपरेट की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी रहेगी, उनको लॉ बनाने हैं, कौन से लॉ उनको बनाने हैं। नंबर टू, स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी रहेगी, उनको कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, वो सब क्लियर किया गया है। थर्ड, लोकल जो गवर्नमेंट है, यानी म्यूनसिपल्टी, महानगर पालिका, नगर पालिका, फिर ये पंचायत, ये सब जो होता है लोकल गवर्नमेंट, उनकी क्या ड्यूटी रहेगी, उनकी कितनी स्वतंत्रता रहेगी काम करने की, वो सब उसमें क्लियर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, देश की बॉर्डर को संभालने का काम, सोचिए किसके हाथ में है, देश की बॉर्डर को संभालने का काम, जिससे दूसरी कंट्री हमारे अंदर आ ना जाए अटैक करके और हमारी जमीन ना ले ले, किसके हाथ में है, लोकल के हाथ में है, स्टेट के कि सेंट्रल के। तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, डिफेंस जो है डिपार्टमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है देश की बॉर्डर को संभालने के। फिर आप सोचिए, एसटी डिपार्टमेंट कौन हैंडल करता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो हर एक स्टेट की आपको अलग अलग बस दिखेगी, गुजरात स्टेट की बस अलग, राजस्थान की अलग, महाराष्ट्र की अलग, सबकी अलग, तो इट मीन्स कि वो स्टेट डिपार्टमेंट संभालता है। दूसरे भी बहुत डिपार्टमेंट है जो स्टेट वाले संभालते हैं। थर्ड, गांव के लोकल इश्यू, स्ट्रीट लाइट, गटर ब्लॉक हो गई, ये सब, पानी प्रोवाइड करना पीने का, नहाने का, ये सब, तो वो सब लोकल जो काम है वो किसके हाथ में है, तो डेफिनेटली जो नगर पालिका या महानगर पालिका होगी उनके हाथ में है। तो इस तरह से अलग अलग काम डिवाइड किए गए हैं, सबका अपना ड्यूटी है, अपनी स्वतंत्रता है, अपनी लिमिटेशन भी है। कोई नगर पालिका ऐसा नहीं कह सकती कि ये हमारे साइड जो बॉर्डर आती है ना, उसको तो हम ही मिलिट्री रख के हम संभालेंगे, वो सेंट्रल ही करेगा,
वो उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर डिफाइंस द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड दैट एट द सेंटर. इट ऑल्सो स्टेट्स वेयर ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फॉर इट्स वर्क. दूसरा, सब गवर्नमेंट पैसे ले सकती है, वो जो काम कर रही है उसके पैसे कलेक्ट पब्लिक के पास कर सकती है. भाई एग्जाम्पल आपको पता होगा, इनकम टैक्स करके आता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. फिर स्टेट गवर्नमेंट कैसे लेती है, तो सेल टैक्स अभी जीएसटी हो गया वो भी सेंट्रल ही लेती है, फिर स्टेट वालों को दे देती है उनके हिस्से का. तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं चलाने के लिए स्टेट. फिर लोक कल, आपको पता होगा कि आपके गांव में जो नगर पालिका या महानगर पालिका होगी वो हाउस टैक्स जिसको बोलते हैं घर वेरा, वो आता है साल में एक बार, उसमें पानी वानी सब का आ जाता है. तो उस तरह से म्यूनसिपलिटी भी कलेक्ट करती है टैक्स और उस तरह से वो पैसे लेती है और गांव को चलाती है. तो सब अपने तरीके से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं अपने काम के लिए. द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रो देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. जो स्टेट है वो सेंट्रल के एजेंट नहीं है, वो फ्रीली अपना काम कर सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में रह के. ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर गवर्न बाई लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाई ईच ऑफ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के वो लॉ के हिसाब से गवर्न किए जाते हैं, यानी हमारे हमें ऑपरेट करने का काम जो गवर्नमेंट करती है लॉ के हिसाब से चलता है, मिनिस्टर के हिसाब से नहीं चलता. नंबर टू, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर रन बाई रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाई द पीपल. इट ऑल्सो गारंटेड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स. जो गवर्नमेंट है वो कौन चलाता है, तो हमने अपने इलाके के किसी इंसान को वोट दिया होगा और MLA, MP, कॉरपोरेटर ये बनाया होगा, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हुआ. बाय एग्जांपल MP, हमारे इलाका का जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हमने वोट देके सिलेक्ट किया कि हमारे वती तू जाएगा पार्लियामेंट में और जो डिसीजन है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, हमारे लिए तो डिसीजन लेगा या हमारी बात वहां रखेगा जो हमारी नीड है, प्रॉब्लम है. तो उस हिसाब से पूरा गवर्नमेंट ऑपरेट होता है, क्योंकि सब अलग अलग एरिया के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में आएंगे, यानी MP आएंगे. उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस ऑल्सो, ये बाकी रह गया, इट ऑल्सो गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. दूसरा, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी 18 के ऊपर अगर आपकी एज है तो आप वोट दे सकते हैं. 18 के ऊपर आपकी एज है तो आप वोट दे सकते हैं, इलेक्शन कार्ड निकालना पड़ता है. पहले ऐसा नहीं था, मोनार्की सिस्टम में याद करिए आप कि राजा का बड़ा लड़का ही राजा बनता था, यानी उनके ही बच्चे राजा बनते थे, दूसरे किसी को राजा नहीं बनाया जा सकता था. और वो जिनको चाहे उनको वजीर मंत्री बना देंगे और फिर वो पूरा राज्य ऑपरेट होता था. अभी ऐसा नहीं है, हम लोग जिसको सिलेक्ट करेंगे वो हमारे इलाके का मंत्री और वो ऑपरेट करेगा. दूसरा कि राजा जो है वो ये नहीं कि मतलब राजा जो है हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब 18 के ऊपर जो भी जिसकी भी एज है वो वोट देंगे और राजा सिलेक्ट करेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर हम लोग सिलेक्ट करेंगे या मिनिस्टर सिलेक्ट करेंगे, उसको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज बोलते हैं. उसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई कास्ट वाला वोट दे सकता है, कोई कास्ट वाला नहीं दे सकता. कोई भी कास्ट हो वोट दे सकता है, 18 के ऊपर है. कोई भी रिलीजन धर्म का हो वोट दे सकता है अगर 18 के ऊपर है. आप काले हो तो भी दे सकते हो, आप गोरे हो तो भी दे सकते हो, आप हरे हो आप यानी ग्रीन हो या ब्लू हो या येल्लो हो, उससे कोई मतलब नहीं है. 18 के ऊपर है वोट दे सकते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. It implies that people of India directly elect their representatives, and these elected representatives are in turn directly accountable to the people. जो मैंने कहा कि भाई हम लोग इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, यानी MP, MLA, कॉरपोरेटर को, और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर. नंबर थ्री, सेपरेशन ऑफ पावर्स. दूसरा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है
इलेक्शन जीत के, तो 100% पावर उसको नहीं मिलते, उसके डिवीजन किए गए हैं। बहुत स्मार्ट डिवीजन है ये, देखिए मस्त है। देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेचर्स रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। समझिए, पूरी गवर्नमेंट थ्री हिस्से में, तीन हिस्से में डिवाइड कर दी गई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी जो लॉ बनाते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस आपने सीखा होगा 7th में, तो उसमें जो सब मिनिस्टर इकट्ठा होते हैं वो सब मिलके लॉ बनाते हैं, उसका पूरा एक सिस्टम है आगे आएगा। फिर एग्जीक्यूटिव यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी एक नज़दीक के मिनिस्टर यानी जो पूरे पार्लियामेंट, लोअर हाउस अपर हाउस में जो मिनिस्टर है उसमें से कुछ ऐसे लोग 20 25 30 जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने के लिए दिए गए होते हैं। जैसे कि किसी को डिफेंस दे दिया, किसी को होम मिनिस्ट्री दे दी, किसी को इंटरनेशनल अफेयर दे दिया, ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो वो जिसके सिर पे कोई डिपार्टमेंट है उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम मिलता है यानी एग्जीक्यूट करने का काम मिलता है। जैसे कि डिफेंस में कुछ पॉलिसी बनाई गई, तो वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव, डिफेंस मिनिस्टर करेगा। और अगर मनी रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई गई, जैसे कि GST आया था बीच में, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। तो वो सब जो मिनिस्टर है, फाइनेंस, डिफेंस, होम मिनिस्टर, ये सब उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। वो 20 25 30 होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से रखते हैं। और जुडिशरी तो हमें पता है, जो कोर्ट का सिस्टम है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट, उसको जुडिशरी बोलते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अभी आपको समझ में आ गई होगी ये लाइन। द जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री फॉर प्रिवेंटिंग द मिस यूज ऑफ पावर बाई एनी वन ब्रांच ऑफ द स्टेट। जो भी जुडिशरी है, वो कोई भी लीडर या कोई स्टेट या गवर्नमेंट अगर उसके पावर का मिसयूज करती है, तो उसके ऊपर वॉच रखने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है, यानी प्राइम मिनिस्टर को भी वो कंट्रोल कर सकती है और चीफ मिनिस्टर को भी कर सकती है, जिससे वो कुछ गलत डिसीजन कंट्री के खिलाफ ना ले ले गलती से भी। इट ऑल्सो एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल रिलीजियंस, बिटवीन ऑल थ्री ऑर्गन्स। और सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी जो सिस्टम है, वो पावर तीनों ऑर्गन में बैलेंस रहे, उसका भी वो काम करती है। फॉर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आत्मा माना जाता है। फंडामेंटल राइट यानी हम सिटीजन्स को कौन कौन से राइट है, और वो राइट कोई भी प्राइम मिनिस्टर आके हमसे छीन नहीं सकता। कोई भी लीडर आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, ये राइट तो उसको देने ही पड़ेंगे, और हम लड़ सकते हैं अगर हमारे राइट को छीना जाए तो। और वो राइट यहाँ साइड में दिए गए हैं, देखिए, राइट टू इक्वलिटी, यानी हम लोग की नज़र में सब एक ही है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ऊपर नीचे कोई नहीं, सब सेम है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्र है हम लोग। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, हमें कोई एक्सप्लोइट नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता हमारा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कोई भी धर्म का हम लोग पालन कर सकते हैं, जिस धर्म का हमें पालन करना हो वो, और हमें लगे कि हमें किसी धर्म का पालन नहीं करना, हमें नास्तिक बने रहना है, तो भी कोई हमें कुछ कहेगा नहीं, मतलब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती उसमें। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हम अपना कल्चर फॉलो कर सकते हैं, हमें जिस हिसाब से शादी करनी हो, जैसे कि घोड़े पे बैठ के जाना हो, या गधे पे बैठ के जाना हो, या हाथी पे के बैठ के जाना हो, हमारा कल्चर हम जाने, कोई हमें रोकेगा नहीं। एजुकेशनल राइट, हम पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो, कोई हमें स्कूल जाने से रोक नहीं सकता, जैसे पहले रोका जाता था, लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता था, शूद्र जाति को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते थे, जैसे एकलव्य का हुआ था, तो ऐसा अभी नहीं है, जा सकते हैं हम लोग। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन 46 में बना, 46 से 3 साल लगे तब बना,
उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाए, मॉडर्न होती जाए, तुम्हें भी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े। तो वो 6 नंबर का सबसे महत्व का राइट ये माना जाता है, रेमेडीज यानी चेंजेस हम कर सकते हैं, करेक्शन हम कर सकते हैं समय के हिसाब से। तो वो भी राइट है हम लोगों को। ये सब बहुत डिटेल में आएगा आगे, इसलिए सबका बहुत डिटेल में नहीं समझा था। नंबर 5, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म यानी ऐसी कंट्री, समझिए, सेक्युलरिज्म यानी ऐसी कंट्री कि जिसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, यानी कोई ऑफिशियल रिलीजन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही फॉलो करना है, तो उसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। यानी हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री माना जाता है क्योंकि यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुइज्म ही फॉलो करो, आपको जो फॉलो करना है वो टोटल फ्रीडम है, मैंने कहा। और इवन कुछ ना फॉलो करना हो तो भी कुछ नहीं, नास्तिक बनने का भी पूरा राइट है। तो उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। कुछ कंट्री ऐसी है, आपने सुना होगा, कि वहाँ कोई स्पेसिफिक रिलीजन ही फॉलो करना पड़ता है। अगर दूसरा कोई रिलीजन हम फॉलो करने गए, हम मंदिर बनाने गए या सब कुछ बनाने गए, तो फिर लीगल एक्शन लिए जाते हैं और कभी कभी तो मार भी डालते हैं वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप इवन आप नए रिलीजन खड़े कर सकते हो, लोग नए रिलीजन खड़े करते रहते हैं, टोटल फ्रीडम है। हमारे इतनी फ्रीडम आई थिंक तो किसी कंट्री में नहीं होगी, इतना ये फ्रीडम वाला काम है। अ स्टेट विच डज नॉट ऑफिशियली सपोर्ट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन इज कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजेस ऑन सेक्युलरिज्म। ऑल रिलीजन्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन दस प्लेस अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अधेयर टू, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। फिनिश हो गया चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा है और लाइफ के लिए बहुत काम का है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चाय पी के सो जाइए।